हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। वंस अगेन एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 क्लास 10 का जो इंग्लिश बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला का ओरल कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था। उसके बारे में जो मैंने आपको वीडियो बनाया था, आशा करता हूँ कि आपको वह वीडियो पसंद आया होगा। आज हम लोग पेज नंबर 24 पे जो ओरल क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है 24 पेज नंबर, उसी में जो कुछ ओरल क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़, अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ मैं जब भी आपके लिए लेकर के आऊँ तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले। और इसके साथ साथ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, बिना किसी देर करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 24 ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मंडेला किस ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ? लेट्स सी। मंडेला सेज दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में दो, ट्विन मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा में कितने होते हैं? दो, ठीक है। तो दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो नैतिक जिम्मेवारियां होती है। कौन कौन सा? द फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। पहली जो जिम्मेवारी होती है वह अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति पहली जिम्मेवारी होती है। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन, और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है टू हिज पीपल, यानी कि जो दोस्त वगैरह होते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, उनके प्रति, कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। तो ये दो ऑब्लिगेशंस उन्होंने मेंशन किया है इस चैप्टर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय। जब मंडेला एक बच्चे थे, एक लड़के थे, तो उनके लिए फ्री का क्या मतलब होता था, स्वतंत्र होने का क्या मतलब था? एंड एज ए स्टूडेंट, और जब वो एक स्टूडेंट हुए, जब वो थोड़े से बड़े हुए और स्कूल जाने लगे, उसके बाद उनका फ्री का मीनिंग क्या था, वो उन्होंने फ्री का मीनिंग क्या निकाला? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। आखिर उन्होंने किस तरह से ये बेसिक फ्रीडम्स को और ट्रांजिटरी फ्रीडम्स को, दोनों को कंट्रास्ट किया, उन्होंने अंतर बताया है। लेट्स सी। लाइक एनी अदर चाइल्ड, फॉर मंडेला फ्रीडम मीन टू बी हैप्पी एंड इन्जॉय द लाइफ। यानी कि कभी भी आपने किसी बच्चे को देखा होगा, बच्चे को इसीलिए भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होती है, वो हमेशा खेल कूद में मगन रहते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं। तो जब मंडेला सभी बच्चों के जैसा, मंडेला भी जब एक बच्चे थे तो उनकी सोच थी फ्रीडम के बारे में, टू बी हैप्पी एंड इन्जॉय द लाइफ, यानी कि खुश रहना और जीवन को आनंद स्वरूप जो है मनाना। एज वन बिकम्स अ यूथ, चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ बिकम्स यूजलेस फ्रॉम अ यूथ्स परस्पेक्टिव। लेकिन जैसे जैसे एक बच्चा जब एडल्ट बनता है, यूथ, एक जवान लड़का बनता है, तो जो भी चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ होती है, जो भी बचपन की जो क्रियाकलाप होते हैं, वो एक तरह से यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है एज अ यूथ्स परस्पेक्टिव। जब एक बच्चा जवान होता है तो बचपन में उसने क्या किया वो सारी यूजलेस हो जाती है उस व्यक्ति के लिए। वंस यू आर एन एडल्ट, यू हैव टू अर्न अ लिवलीहुड। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो क्या होता है, हमें जीवन यापन चलाने के लिए अर्निंग की ज़रूरत होती है, पैसे कमाने की ज़रूरत होती है। इट्स व्हेन यू अर्न अ डिग्निटी इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। जब आप पैसे कमाने लगते हैं, जब आप कहीं जॉब करने लगते हैं, तो आपका सोसाइटी में और परिवार में इज्जत बढ़ने लगता है, लोग आप पर जो है आपकी बातों को की कद्र करने लगते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री। क्या मंडेला को लगता है कि ऑपरेसर फ्री हैं? वाई नॉट, क्यों नहीं? लेट्स सी। मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर इज नॉट फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम
एंड ऑप्रेसर इज हेटेड बाई एवरीबडी हु इज सपोज टू बी बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। मंडेला के अनुसार मंडेला कहते हैं कि ऑप्रेसर जो है फ्री नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है वो कभी फ्री नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उनका उनके अनुसार एन ऑपरेसर इज हेटेड बाई एवरीबडी, यानी कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है उसे उससे सभी नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हु इज सपोज टू बी बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, यानी कि जो हमेशा प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस, जो संकुचित जो विचारधारा होती है उसी में वो उलझा हुआ होता है। ही सेज दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी एंड पीस। वो कहते हैं कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों मानवता का हनन करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति जो शोषण कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो शोषण सह रहा है, शोषण सहने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है जितना कि एक शोषण करने वाला व्यक्ति होता है। ओके, तो चलिए ये 3 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग जानते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम चैप्टर 2 का ही है। पहला क्वेश्चन आइए देखें, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। आखिर इतने भारी संख्याओं में लोगों ने इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड क्यों किया, इंटरनेशनल लीडर्स इतने सारे क्यों आए। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, यह किस चीज़ के जीत का प्रतीक माना जाता है। लेट सी, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन इन ऑर्डर टू शो अ जेस्चर ऑफ सॉलिडरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थाइड। ठीक है, यानी कि एक भारी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेतागण उस इनॉग्रेशन में आए थे, जो कि इस बात का प्रतीक है कि सारे, मतलब जहाँ तक एज फार एज अपार्थाइड सिस्टम इज कंसर्न, तो उसके खिलाफ सभी लोग आवाज़ बुलंद किए हैं, सभी लोग उनकी विचारधारा एक समान है, एक जैसी है। इट सिंबलाइज द विक्ट्री एंड ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर ईविल, यानी कि यह अच्छाई का बुराई के ऊपर जीत का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। जब मंडेला कहते हैं कि वो सभी का संक्षेप रूप हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी जो लीडर्स थे, जो उनके पहले जा चुके थे या उनके साथ जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया, तो उस उनका सम ऑफ, यानी कि उनका एक समरी है उनके अंदर। हु हैड अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। चलिए आइए इसका देखते हैं। थ्रू द गिवन लाइन्स मंडेला वॉन्ट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैव सेक्रीफाइस्ड दियर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। इन पंक्तियों के द्वारा मंडेला उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, जो कि उनके पहले चल बसे बेचारों ने, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। किस चीज़ के लिए? फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ही मेंशंस दैट ही इज़ ग्रेटफुल टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम। वो आगे कहते हैं कि वो उनके आभारी रहेंगे, क्योंकि बिकॉज दोज हीरोज ऑफ पास्ट हैड पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम। क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसा रास्ता तैयार किया उनके लिए जहाँ पर हम सब एक समान हो सकें, ठीक है, एक समान हो सकें और हमारे अंदर सहयोग की भावना हो। हेंस ही कुड ट्राई टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर हिज पीपल विद दियर सपोर्ट। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और इस अपार्थाइड सिस्टम को इस देश से जो है उन्होंने उखाड़ फेंका, ठीक है, जो कि उन्हीं के सपोर्ट के कारण संभव हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है
वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कमेंट ज़रूर आप लोग कर दिया करें ताकि मेरा भी उत्साह वर्धन हो और मैं इस तरह के वीडियोस बना करके आपके सामने लाऊं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।